गण को हार्दिक अभिनंदन। हमारे एडमिन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे के सेशन को रिकॉर्ड करेंगे। चंदा जी से और पंकज जी से मैं अनुरोध करूंगी कि लपेट का डेमोन्स्ट्रेशन हमारे, ताकि सभी लोग यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियोस देखकर लाभान्वित हो सके। तो इसीलिए हम जी हाँ, थैंक यू सो मच। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें पंच तत्वों यानी कि आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व तथा पृथ्वी तत्व, इन सारे तत्वों को हम विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल करके बिना दवाइयों के हम व्यक्ति को रोग मुक्त और उसकी जीवनी को सशक्त करके पुनः स्वस्थ जो है उसका स्थापित करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में जल तत्व का किस प्रकार से प्रयोगों में हम चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं? हाइड्रोथेरेपी इसका नाम है, जिसमें हम जल का प्रयोग करके और विभिन्न प्रयोगों द्वारा रोग को दूर हमारे शरीर से करते हैं। और इन्हीं हाइड्रोथेरेपी की बहुत सारी मोडालिटीज हैं, जिनमें से एक मोडालिटी है लपेट। जी हाँ, लपेट द मिराकुलस ट्रीटमेंट इन नेचुरोपैथी। तो अभी हमारे साथी लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। लपेट जो है प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे रोगों में जो है हमारे शरीर से मूलतः जड़ से रोग को निकाल भार करने की एक बहुत ही सुंदर प्रयोग है। और सबसे पहले इसमें लपेट कहते किसे हैं? लपेट यानी के ये दो पट्टियां, एक कॉटन की बैंडेज और एक वुलन बैंडेज, तो इन दोनों को मिलाकर हम प्राकृतिक चिकित्सा में लपेट या कंप्रेस कहते हैं। अब ये तो हो गई सामग्री। अब इसकी अवधि है 40 मिनट्स, यानी कि 40 मिनट के लिए इसे बांधना है। अब इसमें जो विशेष सावधानी है भोजन की, कि भोजन और लपेट में कितना अंतराल होना चाहिए, वो लगभग अगर हल्का भोजन किया है तो आप नाश्ता इत्यादि तो उसके 1 घंटे बाद ये लपेट बांध सकते हैं, और अगर आपने भोजन किया है, प्रॉपर मील खाया है, तो उसके 3 घंटे बाद। चंदा जी और पंकज जी से अनुरोध करूंगी रुकिए आप। मैडम, एक बार थोड़ा सा। ओके, तब तक मैं और बता देती हूँ इस लपेट के विषय में, कि ये तो हो गई इसकी सामग्री और अवधि, और साथ साथ बांधने के समय पर आपको भोजन का कितना अंतराल रखना है। अब जब लपेट बांध ली है तो उसको बांधे बांधे हमें भोजन इत्यादि नहीं करना, ये भी एक बात ध्यान रखने की है। लपेट बांधने के 40 मिनट तक बांधने के बाद उसके आधा घंटे बाद जो है आप कुछ भोजन इत्यादि कर सकते हैं। अब इस लपेट का जो है इस समय जो हमारा मेन फोकस है वो हमारे श्वसन तंत्र पर है, कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, चाहे उसे कफ, कोल्ड, फीवर, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या कोई भी हमारा चेस्ट कंजेशन का रोग है, हमारे भीतर सांस लेने की दिक्कत है जो कि इस समय बहुत ज्वलंत समस्या है, तो उसका कारण है कि हमारे फेफड़ों में जो हमारे शरीर के भीतर का विकार है वो हमारे लंग्स में अंदर रोम कूपों तक जो है चिपचिपा म्यूकस, जिसे बलगम कहें या श्लेष्मा कहें, जब वो चिपक जाता है गोंद की तरह तो हमारे लंग्स के रोम कूपों को वो आच्छादित कर लेता है। उसे जब वो लंग्स जो है ब्लॉक हो जाते हैं तो वो अपनी कार्य क्षमता खो देते हैं। तो कार्य क्षमता जब हमारी लंग्स की पूरी तरह से वो काम नहीं कर पाते, तो ऑक्सीजनेशन यानी के वायु से जो ऑक्सीजनेशन है पूरा ऑक्सीजन, जी देखिए अब हमारे साथी जो है लपेट बांधने की टेक्निक बताएंगे। सबसे पहले हमें ये देखिए, हमारे साथी बता रहे हैं ये जो लपेट कॉटन की पट्टी है इसे जो है पानी में भिगोकर निचोड़ लिया गया है, और जिस व्यक्ति को बांधेंगे उसे पहले निर्वस्त करेंगे। यहाँ तो क्या डेमो दिखाया जा रहा है। अब इसके एक कंधे से लेकर ये लपेट पीछे की ओर जाएगी और धीरे धीरे इसे कमर से जो है बांधते हुए हम आगे की ओर लेके आएंगे।
जी हाँ, देखिए कितने अच्छे से जो है ये लपेट, और फिर इसका जो है फिर से कमर से पीछे जाएंगे, हाथ उठा लीजिए बबलू जी। जी हाँ, अब पीछे जाएंगे और फिर कंधे से जो है वापस लौटेंगे, इससे हमारा कंधा, हमारी चेस्ट, देखिए कितनी खूबसूरती से जो है पूरी चेस्ट, पूरा कंधा और हमारा पूरा जो है ये कवर हो गया है। और याद रखिए ये लपेट नंगे बदन बांधी जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट गीली निचोड़ी पानी में निचोड़ कर बांधी जा रही है, तो ये पूरी त्वचा पर आपके जो है टच करेगी। अब इसी के ऊपर जो गरम लपेट है वो बांधी जाएगी। गरम लपेट का जो एक हिस्सा होता है वहां पर नाड़े या कुछ भी आप बांधने के लिए होता है, वो भीतर की तरफ होता है और वो एंड में हम उस तक पहुंचते हैं, तो उसको जो है इसके ऊपर लपेट बांधेंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, अब जो है इसको कंधे से पीछे ले जाएंगे, वेरी गुड, और कमर से आगे लाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो है साथी इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और इसका जो है प्रयोग घर में सभी व्यक्ति जो है बड़ी आसानी से, आप हमारे केंद्र से ये लपेट ऑर्डर कर सकते हैं, या आप घर में भी पुराने किसी चादर से, कॉटन के कपड़े से आगे कंधे से ऊपर ले आइए। बहुत ही बढ़िया, ये देखिए कि, और देखिए ना बहुत टाइट बांधी जा रही है और ना ही बहुत लूज, बस इतना। अब ये जो नाड़े हैं इससे हम जो है इस लपेट को जो है अपनी जगह ना छोड़े, उस तरह से इसको टाइटली, उतना टाइट जितना के बहुत ज्यादा टाइट ना हो, तो इस तरह से जो है लपेट का प्रयोग करेंगे। इसे कहते हैं हम छाती की लपेट। और इस समय जो ज्वलंत समस्या चल रही है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से घूम जाइए आप और आगे पीछे से देखिए कितनी सुंदर तरीके से जो लपेट है, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई शंका या कोई डाउट किसी को रह जाएगा। थैंक यू चंदा जी, थैंक यू बबलू जी फॉर अ परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अब इसका जो साइंटिफिक लॉजिक है कि ये लपेट आखिर काम किस करती किस तरीके से है, जब हमारी पहली कॉटन की लपेट हम पानी में भिगो कर निचोड़ कर, याद रखिए ये जो पानी है वो बर्फ का पानी नहीं है, सादा ठंडा नल का पानी है, उसमें भिगो कर निचोड़ कर कॉटन की बैंडेज, जो कॉटन की लपेट है, हम नंगे बदन पर जब लपेटते हैं तो पहला अनुभव जो है एक ठंडक ऐसा होता है पहले 5-10 मिनट में, और क्योंकि ये जो लपेट जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होता है, और उस पर जब ये ठंडी लपेट लगती है तो सतह की ब्लड वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट होती हैं। जब ये ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो ब्लड हमारे भीतर के अंगों की तरफ जाता है। याद रखिए कि कितना सतह पर हम लपेट बांध रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत भीतर तक हमारे लंग्स के ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई तक, वहां तक होता है जहां पर जो हमारा श्लेष्मा या म्यूकस विकार जो है एक गोंद की तरह चिपका हुआ है, और उसके चलते वहां इन्फ्लेमेशन है, ब्लॉकेज है। तो उसके बाद ये जो कॉटन की गीली लपेट बांधने के बाद जो हमारी ऊपर लपेट, वुलन लपेट है, 20 मिनट के बाद जो है उसका प्रभाव शुरू होता है, और उससे वेट हीट जो है हमारे जो है सतह पर जाती है। जब हीट, वेट हीट हमारी बॉडी को मिलती है तो हमारी ब्लड वेसल सतह की फिर से डायलेट होती हैं, और ब्लड जो है हमारे शरीर का विकार लेकर दुगनी गति से सतह पर आता है। इस प्रकार से जो एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया जिसे एक्शन रिएक्शन हम कहते हैं, उसके फलस्वरूप जो हमारे फेफड़ों में जो मल म्यूकस जमा हुआ है वो उखड़ता है, वो वहां पर जब ये क्रिया प्रतिक्रिया से वहां पर अणु परमाणु गतिमान होते हैं तो हमारा जो भीतर का कफ है वो पिघलता है, और वहां से रक्त में घुल के निष्कासक अंगों में पहुंचकर हमारे शरीर से बाहर जाता है। इतनी साधारण ये लपेट आप घर में किसी भी तरह से बना सकते हैं। इसकी डायमेंशंस जो हैं, जो कॉटन की लपेट है उसकी डायमेंशंस आप 15 से 17 इंच के लगभग, जो ज्यादा विशाल काय अगर बॉडी के हैं तो वो थोड़ा सा उनका पूरा चेस्ट कवर हो, उस हिसाब से थोड़ी सी चौड़ी और भी कर सकते हैं। लंबाई इसकी कितनी होनी चाहिए,
लंबाई लगभग 2-2.5 मीटर के करीब होती है, लेकिन जो थोड़े से जिनकी ज्यादा कदकाठी ज्यादा बड़ी है तो वो थोड़ी लंबाई ज्यादा रख लें। लंबाई का हिसाब क्या होना चाहिए कि जिस हम छाती पर जब लपेट रहे हैं तो कम से कम 2-3 लपेट वो जो है हमारे शरीर पर लपेट लिपट जाए, उतनी लंबी होनी चाहिए। 40 मिनट में ये जो है आपके भीतर जो गीली लपेट बांधी है वो बॉडी की वेट हीट से और हमारे ये गर्म लपेट के चलते वो जो है गर्म हो जाएगी, सूख जाएगी और उतनी देर में इस लपेट का कार्य हो जाएगा। याद रखिए ये एक ब्रोंको डायलेटर का काम करती है और हमारे भीतर के मल के निष्कासन की प्रक्रिया को बहुत तेजी से सक्रिय करती है। और जब याद रखिए कि मल और विकार जो रोग का एक मुख्य कारण है वो जब निकल जाएगा तो हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, वहां पे जब ब्लड सर्कुलेशन होगा ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो सशक्तिकरण होगा फेफड़ों का और ऑक्सीजनेशन होगा। और फिर अगर सशक्त हमारे अंगों में यदि कोरोना या कोई भी माइक्रोब्स अगर चले भी जाते हैं तो हमारी जो जीवनी शक्ति है हमारी वाइटैलिटी है उसे बाहर उखाड़ फेंकती है। तो हमें घबराने की ही जरूरत नहीं है। ये दिन में आप 2 बार बांधे, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद बांध ले। आप इसे बांध कर कोई भी दिन का कार्य अपना कर सकते हैं और इसको जो है रात को अगर 7 बजे आपने डिनर किया है तो आप 10 बजे बांध के अगर आप सो भी जाएं तो भी इससे कोई भी नुकसान नहीं है। तो इस तरह से ये जो है लपेट इस समय सबको जिनको भी खांसी सांस लेने में दिक्कत और कंजेशन है तो इनको जरूर बांधना चाहिए। अब अगर निमोनिया का केस है मान लीजिए तो निमोनिया के केस में पहले आप छाती पर पीठ पर ठंडा गर्म सेक देने के बाद आप जो है ये लपेट बांधेंगे तो बहुत अच्छा फल होगा। और साथ साथ इस छाती की लपेट को तो दिन में 2 बार बांधिए ही, साथ साथ टांगों की लपेट पे भी लपेट जरूर बांधिए। पैरों से लेकर ऊपर घुटनों तक अगर आप ये लपेट बांधेंगे तो अपर बॉडी कंजेशन जो है आपका दूर होगा। और जब एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको फीवर है तो फीवर में जब ये लपेट बांधेंगे तो आपको वो जो फीवर की बॉडी की गर्माहट से वो जो भीतर की गीली लपेट है वो गर्म हो जाएगी जल्दी। तो उसको 15-15 मिनट में आपको बदलना पड़ेगा, उसको हटा के फिर पानी में निचोड़ कर फिर बांधना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब सामान्य अवस्था है तो आप 40 मिनट बांधिए, दिन में 2 बार बांधिए, लेकिन जब फीवर की कंडीशन है तो आपको वो 15-15 मिनट में दिन में जो है कई बार आपको हटा के बदल के करनी पड़ेगी क्योंकि उस वक्त शरीर का तापमान ज्यादा है। तो इस तरह से आप जो है अपनी लपेट द्वारा इस समय की ज्वलंत समस्या बिना किसी मेडिसिन के आप घर बैठे और थोड़ा डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ जो है भोजन को त्याग करके लिक्विड डाइट करके आप किसी भी प्रकार के जो है अस्थमा है चाहे ब्रोंकाइटिस है चाहे ब्रोंको निमोनिया है और चाहे निमोनिया है किसी प्रकार का तो ये सभी रोगों से निजात पा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लेक्चर को यही विराम देती हूँ। यदि कोई प्रश्न है तो प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी चैट में देखते हैं जो इस नए लोग समय। हैं वो कृपया लिंक, एक सेकंड सुनता मैं। जी जी